साल 2007 और 8 के दौर में एक तरफ बाबा रामदेव अपने योग के दम पर प्रसिद्धि पा रहे थे, योग विद्या ऋषियों की विद्या, तो दूसरी तरफ राजीव दीक्षित अपने भाषणों से लोकप्रिय होते जा रहे थे। दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा। बिल्कुल ठीक। बाबा रामदेव के पास पैसा था, आस्था चैनल जैसा एक बड़ा मीडियम था, तो राजीव दीक्षित के पास मुद्दे थे। मुद्दा स्वदेशी वस्तुओं का, मुद्दा विदेशी कंपनियों के विरोध का, मुद्दा करप्शन का, मुद्दा काले धन का, मुद्दा स्विस बैंक का। बस यहीं से शुरुआत होती है भारत स्वाभिमान आंदोलन की, जो इन दोनों ने मिलकर शुरू किया। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत स्वाभिमान आंदोलन ने जहां एक ओर बाबा रामदेव को योग के अलावा जनता को आकर्षित करने वाले मुद्दे दिए, तो वहीं राजीव दीक्षित की लोकप्रियता भी अब बाबा रामदेव से अधिक बढ़ने लगी। साल 2010 आते आते बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान नाम की एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। राजीव दीक्षित इस पार्टी को गांव गांव पहुंचाने के लिए भारत यात्रा पर निकल जाते हैं, और इसी दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अचानक राजीव दीक्षित की तबीयत बिगड़ती है और आधी रात होते होते राजीव दीक्षित की मौत हो गई। राजीव दीक्षित की मौत को लेकर कई सवाल उठे। कुछ ने कहा कि राजीव दीक्षित बड़ी बड़ी MNC कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए किसी बड़ी कंपनी ने साजिश रचकर राजीव दीक्षित को मरवा दिया। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव से अधिक लोकप्रियता बढ़ते देखकर कुछ लोगों ने राजीव दीक्षित को ही रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। आखिर क्या है राजीव दीक्षित की मौत के पीछे का राज? क्यों बाबा रामदेव पर उठते हैं कई सवाल? क्या है इस पूरे मामले की असली सच्चाई, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। स्वामी रामदेव के चेलों ने साजिश करके राजीव दीक्षित को मार दिया। अरे राजीव दीक्षित के माँ बाप जिंदा, उसका भाई जिंदा है, उसके लिए मैंने कम से कम 25 लाख उसके उपचार पर खर्च करवाए। राजीव दीक्षित जी, आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राजीव दीक्षित जी को कोई जाना ही नहीं। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। राजीव दीक्षित की मौत को लेकर पहला सवाल उठता है कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया था। दूसरा सवाल उठता है कि आखिर वो कौन आदमी था जो राजीव दीक्षित के पोस्टमार्टम को नहीं होने देना चाहता था। राजीव दीक्षित के समर्थक ये भी कहते हैं कि राजीव दीक्षित की डेड बॉडी एकदम नीली पड़ी हुई थी, जो अक्सर जहर से हुई मौत के केस में होती है। कुछ ये भी कहते हैं कि राजीव दीक्षित के मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा था। स्वाभाविक है कि इस केस में पोस्टमार्टम एक महत्वपूर्ण सबूत होता, लेकिन पोस्टमार्टम ना होने की स्थिति में ये कहना बेहद मुश्किल है कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से ही हुई या उन्हें जहर देकर मारा गया। इसलिए ऐसी स्थिति में राजीव दीक्षित के अंतिम दिन में क्या क्या हुआ, इसे डिटेल में जानना बेहद जरूरी है। बाबा रामदेव पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ये कहकर नहीं होने दिया कि पोस्टमार्टम हिंदू रीतियों के खिलाफ है, यहाँ शरीर के साथ काट छाट नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि आगे की कहानी कहूँ, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 5 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोनों काम इस वीडियो की रीच के लिए बेहद जरूरी हैं। अब आगे की कहानी। 4 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में से एक गैस का रिसाव होता है। देखते ही देखते पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल जाता है। इस त्रासदी में 8,000 से अधिक लोगों की मौत एक ही रात में हो जाती है। इन्हीं दिनों एक लड़का अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। भोपाल गैस त्रासदी से उसके मन में इन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए नफरत भर जाती है। 1990 आते आते इस नौजवान ने भारत में बढ़ती विदेशी कंपनियों के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया। इस नौजवान लड़के का नाम था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 के दिन अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नाहा गांव में हुआ। इसके बाद राजीव ने इलाहाबाद के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। इसके 7 साल बाद यानी साल 1992 में राजीव दीक्षित ने महाराष्ट्र के वर्धा में आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी। राजीव ने मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तर्क दिया कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कैसे आज भी भारत के लोग विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं, उनके चंगुल में हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन ने राजीव दीक्षित के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर दिया। उनकी भाषणों की रिकॉर्डिंग CD बनकर बाजारों में बिकने लगी। साल 2004 आते आते राजीव दीक्षित एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय हो जाते हैं। इधर बाबा रामदेव भी योग के माध्यम से लोकप्रिय होते जा रहे थे।
बाबा रामदेव को किसी एक टैलेंटेड आदमी की तलाश थी जिससे वे अपना साम्राज्य योग के बाहर भी स्थापित कर सकें। उन्होंने राजीव दीक्षित का नाम और काम काफ़ी सुना हुआ था, इसलिए वे राजीव दीक्षित से भी मिलना चाहते थे। माना जाता है कि बाबा रामदेव अपने योगा कैंप्स में राजीव दीक्षित की सीडी कमीशन पर बेचने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों राजीव दीक्षित भी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित ने अपनी शादी से पहले 34 लाख का घर बनवाया था। अफवाह उड़ने लगी कि ये पैसा राजीव दीक्षित ने ही दिया है, जो आंदोलन का पैसा है। उस वक्त 34 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट था। यह आरोप कितना झूठा था या कितना सच्चा था ये नहीं पता, लेकिन इन अफवाहों ने राजीव दीक्षित को उनके ही आंदोलन में आइसोलेट कर दिया, अकेला कर दिया। इसी टाइम पर बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित की मुलाकात होती है। साल 2004 से साल 2007 आते आते राजीव दीक्षित योग गुरु रामदेव के मेंटर बन जाते हैं। एक तरफ बाबा रामदेव भारतीय ट्रेडिशन के प्रतीक बन चुके थे, तो दूसरी तरफ राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे और स्वदेशी कंपनियों की वकालत करते थे। राजीव के पास आर्थिक और राजनीतिक दोनों को ही लेकर नए नए विचार थे। जैसे राइट टू रिकॉल का आइडिया, यानी एक बार के लिए सांसद या विधायक बन भी जाए तो भी जनता के द्वारा उसे वापस बुलाने का अधिकार, ब्लैक मनी, स्विस बैंक, आयुर्वेद की वकालत, इन सबको लेकर राजीव के पास तगड़े विचार थे और अच्छी खासी रिसर्च थी जो जनता को बड़ा आकर्षित करती थी। रामदेव भी राजीव दीक्षित की इस चमक का फायदा उठाने लगे और राजीव को अपने योगा कैंपों के मंच पर बिठाने लगे। राजीव के भाषण रामदेव के समर्थकों पर या उनके दर्शकों पर बिजली सा असर डालते। रामदेव जानते थे कि योग और स्वदेशी, इन दोनों को मिलाने का क्या राजनीतिक असर निकलेगा। भारत में 2009 के लोकसभा चुनाव आने वाले थे। चुनावों के नज़दीक आते आते रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ बढ़ने लगी। वे जानते थे कि अकेले योग से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब स्वदेशी और योग दोनों को मिला दिया जाए और राष्ट्रभक्ति का घोल बना दिया गया। राजीव जो आज़ादी बचाओ आंदोलन से थोड़े अलग थलग चल रहे थे, उन्हें भी रामदेव के साम्राज्य का मंच मिल गया। रामदेव अपने मंचों पर योग करते और राजीव उनके लिए राजनीतिक पिच बनाते, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर शानदार भाषण देते। अब राजीव भी लगातार धार्मिक टीवी चैनलों पर जैसे आस्था चैनल पर दिखाए जाने लगे, जिनमें रामदेव का ही पैसा लगा हुआ था। यहीं से दोनों ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था ब्लैक मनी से लड़ना, भ्रष्टाचार से लड़ना, विदेशी कंपनियों का विरोध करना, भारतीय कंपनियों और संस्कृति की बात करना। रामदेव इस भारत स्वाभिमान आंदोलन को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी में बदल देना। अब तक राजीव रामदेव के मेंटर बन चुके थे, जहां जहां बाबा रामदेव उनके पीछे पीछे राजीव। जो भी राजनीतिक आर्थिक मुद्दे उस दौर में रामदेव उठा रहे थे, वे सब राजीव दीक्षित के आइडियाज थे। ये आरोप लगाए जाते हैं कि राजीव दीक्षित की ये प्रेजेंस और महत्व रामदेव के पुराने सहयोगी बालकृष्ण और राम भरत को खटकने लगी। वे राजीव को बाहरी आदमी की तरह देखते थे, चूंकि राजीव उनसे अधिक प्रभावी और शिक्षित थे। उनके बीच इस लेवल का बैर था कि अगर दीक्षित और बालकृष्ण कभी एक ही कमरे में होते थे तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, मतलब एकदम इग्नोर करते थे। वहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और सारी लाइमलाइट रामदेव से खिसक कर राजीव दीक्षित की तरफ जा रही है। इधर राजीव की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने मार्च 2010 में भारत स्वाभिमान नाम से एक पार्टी लॉन्च कर दी। नई दिल्ली में अपनी पार्टी को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मैं देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े करूंगा और यहां एक क्रांति होगी। पार्टी लॉन्च करने के कुछ महीने के बाद सितंबर 2010 में बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ने अपनी पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए भारत स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। दोनों नेता अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी और उसके गोल्स के बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें राजीव की बढ़ती लोकप्रियता खटकती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि राजीव दीक्षित को ये पता नहीं था कि कुछ लोगों को हरिद्वार में उनके होने और रामदेव से उनकी नज़दीकी से दिक्कत है। वे इस बात से पूरी तरह अवेयर थे। राजीव के पुराने सहयोगी मदन दुबे कहते हैं कि राजीव शायद परेशानी में थे, क्योंकि जब जुलाई 2010 में मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे भी भारत स्वाभिमान पार्टी का सदस्य बनना चाहिए, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी इंतज़ार करूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वे अभी श्योर नहीं है। इससे मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। अपनी भारत स्वाभिमान पार्टी के प्रचार के लिए राजीव करीब करीब आधा देश घूम चुके थे। इस बीच 29 नवंबर 2010 के दिन राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचते हैं। राजीव के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी आचार्य दयासागर और अन्य कार्यकर्ता थे।
यहाँ बेमेतरा तहसील में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक राजीव दीक्षित का एक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम शाम 4 बजे दुर्ग शहर में होना तय था। दोपहर करीब 2 बजे राजीव दीक्षित अपनी इस अगली जनसभा में शामिल होने के लिए बेमेतरा तहसील से रवाना हो गए, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही राजीव दीक्षित को भारी पसीना आने लगा। राजीव ने राज्य प्रभारी आचार्य दयासागर को कहा कि उन्हें शौचालय जाना है। इसके बाद दयासागर राजीव दीक्षित को दुर्ग के एक आश्रम में ले गए। यहाँ राजीव को बाथरूम में काफी देर हो गई। जब शक होने पर दरवाजा खोला गया तो देखा कि पसीने से लथपथ राजीव बेहोश पड़े हुए हैं। इसके बाद राजीव को एक बिस्तर पर लटाया गया और उनके चेहरे पर पानी छिड़का गया। थोड़ी देर के बाद जाकर राजीव होश में आए। राजीव को जब अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अस्पताल जाने की जगह होम्योपैथी से इलाज करवाने के लिए कहा, लेकिन राजीव को होम्योपैथी से कोई आराम नहीं मिलता। तुरंत राजीव को भिलाई जिले के इस्पात संयंत्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, इसलिए तुरंत ही राजीव को भिलाई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। यहां ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजीव होम्योपैथी से ही चिकित्सा लेने के लिए अड़े हुए थे तब रामदेव ने उनसे फोन पर बात की और उन्हें अच्छे अस्पताल से इलाज कराने के लिए मनाया। हालांकि रामदेव के इस फोन वाले दावे को लेकर कई तरह के विवाद हैं, जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करते हैं, इसकी बात आगे करेंगे। अपोलो अस्पताल में भर्ती होने के बाद राजीव की तबीयत और भी अधिक बिगड़ती चली गई और रात करीब 1-2 बजे के बीच डॉक्टरों ने राजीव को मृत घोषित कर दिया। ये मोटा माटी वो कहानी है जो राजीव दीक्षित की मौत के बारे में बताई जाती है, लेकिन राजीव दीक्षित के समर्थक यहाँ पर कई प्रश्न खड़ा करते हैं। पहला सवाल कि क्या बिना पोस्टमार्टम के ही ये खबर प्रचारित की गई कि राजीव दीक्षित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है? कोई मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है या जहर देने से हुई है, ये बात सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कही जा सकती है। अपोलो जैसे अस्पताल में एक संदिग्ध मौत होने के बाद भी राजीव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों किया गया जबकि ये एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया थी? लेकिन इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं वे और भी अधिक गंभीर हैं। राजीव दीक्षित की मौत के बाद बाबा रामदेव ने उनके परिवार से फोन पर बात की और अनुरोध किया कि वे राजीव दीक्षित को सम्मानित करना चाहते हैं और उनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर यानी हरिद्वार में करना चाहते हैं। राजीव की मौत से सदमे से जूझ रहे परिवार ने रामदेव की बात मान ली, इसलिए दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिले अलीगढ़ ले जाने के बजाय एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार ले जाया गया, जहां बाबा रामदेव का पतंजलि आश्रम मौजूद है। यहां पतंजलि आश्रम में राजीव दीक्षित का शरीर बर्फ के ब्लॉक्स पर रखा हुआ था। आसपास उनके खास साथियों की भीड़ अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए आई हुई थी। राजीव दीक्षित का चेहरा गेंदे के फूल की मालाओं से ढका हुआ था, केवल यही चीज थी जो नजर आ रही थी, लेकिन लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। राजीव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उनका चेहरा अजीब सा बैंगनी और नीला पड़ चुका था। नाक से भी काले नीले रंग का कुछ बह रहा था। यहाँ से आगे की कहानी हैरान करने वाली है, जिसे द प्रिंट वेबसाइट ने छापा है। आगे की कहानी द प्रिंट के इसी लेख से ली गई है। द प्रिंट पर छपे इस आर्टिकल के अनुसार राजीव दीक्षित के पुराने सहयोगी मदन दुबे कहते हैं कि लोग राजीव दीक्षित की अचानक हुई मौत और उनके शरीर के अजीब रंग को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे जैसे लोग उनके शरीर को देखते जा रहे थे वैसे वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगी। जल्द ही लोग पोस्टमार्टम किए जाने की मांग करने लगे। दुबे आगे कहते हैं कि फाइनली मैंने तेज आवाज में कहा कि यहाँ कुछ धोखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई और भी है जो पोस्टमार्टम चाहता है। इसके बाद दुबे ने रामदेव को एक पत्र देने के लिए ऐसे लोगों के साइन लेने शुरू किए जो पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। करीब 50 लोगों के साइन के बाद अगली सुबह करीब 6 बजे कोहरे में 9 लोगों का एक ग्रुप रामदेव के पास एक पत्र लेकर पहुंचता है, लेकिन इस ग्रुप को बाबा रामदेव के बॉडीगार्ड्स ने अंदर जाने से रोक दिया। राजीव दीक्षित के सहयोगी मदन दुबे ने गार्ड से कहा, ठीक है अंदर जाइए और बाबा जी को बता दीजिए कि अगर वो हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम दीक्षित के मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अंत में करीब 7:30 बजे बाबा रामदेव एक बैठक करने के लिए मान गए और उन्होंने दुबे और उनके सहयोगियों को अंदर बुला लिया, लेकिन इन लोगों के फोन बाहर ही रखवा लिए गए ताकि कोई इस बातचीत की रिकॉर्डिंग ना करे। द प्रिंट के इस आर्टिकल के अनुसार इस मीटिंग में बाबा रामदेव ने कहा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस पर दुबे ने कहा कि हम सब आज़ादी बचाओ आंदोलन के ट्रस्टी हैं और दीक्षित का पोस्टमार्टम चाहते हैं। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जब ये एक प्राकृतिक मौत है तो इसकी क्या जरूरत है। इस पर दुबे ने कहा कि हमें डाउट है इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये बहस ऐसे ही होती रही, लेकिन बाबा रामदेव पोस्टमार्टम के लिए नहीं माने। बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू धर्म में इस तरह की काट छांट नहीं होती, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है, लेकिन
दुबे ने रामदेव की ये बात नकारते हुए कहा कि राजीव दीक्षित का कोई धर्म नहीं था, उनका धर्म देश के प्रति उनकी सेवा थी। उन्होंने कभी भी खुद को किसी खास धर्म का व्यक्ति नहीं कहा, इसलिए आप हिंदू धर्म के बारे में चिंता ना करिए और पोस्टमार्टम करवाइए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, जो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, अन्यथा उंगलियां उठती रहेंगी। करीब एक घंटे तक चली इस बहस में रामदेव दुबे पर गुस्से में रहे, लेकिन अंततः रामदेव इस बात के लिए मान गए कि वे हॉल जाएंगे जहां दीक्षित का शव रखा हुआ था और वहां लोगों से और दीक्षित के परिवार से पूछेंगे कि क्या पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसके बाद रामदेव अपनी कार से उस हॉल के लिए निकल जाते हैं जहां राजीव दीक्षित का शव रखा हुआ था। वहीं राजीव के आज़ादी बचाओ आंदोलन के ट्रस्टी इस हॉल के लिए पैदल पैदल निकल जाते हैं। बाबा रामदेव के निवास से हॉल करीब 20 मिनट की पैदल दूरी पर था। दुबे और आज़ादी बचाओ के कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने से पहले ही नाराज रामदेव हॉल में पहुंच चुके थे, जहां रामदेव ने एक माइक पकड़ते हुए कहा कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं, वे मुझसे दीक्षित का पोस्टमार्टम कराने के लिए कह रहे हैं, मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति हिंदू धर्म में नहीं है। इस पर भारत स्वाभिमान से जुड़ी हरियाणा की डॉक्टर सुमन ने कहा कि फिर आप करवा क्यों नहीं रहे, लेकिन रामदेव कोई जवाब देने के मूड में नहीं थे। अपने लोगों की तरफ मुड़ते हुए रामदेव ने उन्हें आदेश दिया कि शव की अंतिम यात्रा की तैयारी की जाए। इस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे थे, जबकि शमशान घाट पर जाने का समय सुबह 11 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन रामदेव के लोगों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर लिया। सबको तुरंत ही एम्बुलेंस पर लदवा दिया गया और शमशान घाट पर जाने के लिए तैयार हो गए। द प्रिंट पर छपे आर्टिकल के अनुसार राजीव के पुराने सहयोगी रहे मदन दुबे कहते हैं कि हम जब हॉल पहुंचे तो देखा कि सबको एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। हमने घबराते हुए एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश भी की। माना जाता है कि शमशान में पहुंचने पर रामदेव राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और कहा कि अगर तुम पोस्टमार्टम चाहते हो तो हम ये करवा सकते हैं। इस पर प्रदीप ने कहा कि स्वामी जी, यहाँ ये सब लोग पहले से ही आए हुए हैं, आपने हम सब के लिए पोस्टमार्टम ना करवाने का निर्णय ले ही लिया है, अब इस पर बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। द प्रिंट पर छपे इस आर्टिकल में पत्रकार प्रियंका पाठक नारायण कहती हैं कि मैंने प्रदीप से पूछा कि उन्होंने रामदेव से ऐसा क्यों कहा था। इस पर प्रदीप ने कहा, और मैं कर ही क्या सकता था, सब लोग घाट पर पहुंच ही चुके थे, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। लोग आकर मुझसे तरह तरह की बातें कर रहे थे, अगर वे सच थे तो इसकी क्या गारंटी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। मैं उन्हें यानी रामदेव को मना करने की स्थिति में नहीं था। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम न करवाने के कारण जो भी हों, अच्छी इच्छा से हों चाहे बुरी इच्छा से हों, लेकिन उस दिन से शुरू हुआ ये सवाल कि राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया, आज भी बाबा रामदेव का पीछा नहीं छोड़ता है। हो सकता है कि स्वामी रामदेव ने अच्छे मन से ही ऐसा चाहा हो, लेकिन एक ऐसे आदमी की अचानक मौत के बाद जिसके पीछे कई मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, जिसकी लोकप्रियता से भी कई लोगों को निजी चिढ़ थी, वैसे में ऐसे टारगेटेड व्यक्ति की मौत के बाद पोस्टमार्टम ना हो पाना कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न खड़ा करता है। खासकर राजीव के समर्थक ही कहते हैं कि राजीव की मौत के बाद उनका शरीर काला पड़ चुका था, इसलिए किसी अनहोनी की पूरी गुंजाइश वे मानते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ इतने नहीं हैं बल्कि और अधिक हैं। जैसे आस्था चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव ने एक बार कहा है कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने राजीव दीक्षित से 4 घंटे बात की थी, उस वक्त उसका भाई भी उसके साथ बैठा था जो जीवित है। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, लेकिन सच्चाई ये है कि राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित के भिलाई पहुंचने से पहले ही राजीव दीक्षित की मौत हो चुकी थी। जब प्रदीप दीक्षित रास्ते में ही थे तब ही उनको राजीव की मौत की खबर मिल गई थी। प्रदीप दीक्षित के बयान के अनुसार जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें उनके भाई का शव मिला। सवाल यह है कि फिर बाबा रामदेव ने ये झूठ क्यों बोला कि उन्होंने राजीव से फोन पर बात की थी और उस वक्त उनका भाई प्रदीप भी मौजूद था। दूसरा सवाल यह है कि आस्था टीवी पर बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं करीब 1 घंटे तक उनको समझाता रहा, 1 घंटे तक, उनको शायद ये जेनेटिक बीमारी थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, उसके खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक, उसको पहले भी माइल्ड अटैक आया, उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। लेकिन बाबा रामदेव का ये दावा भी झूठा है कि राजीव को शुगर वगैरह की बीमारी थी या हार्ट की बीमारी थी। तीसरा सवाल ये भी कि बार बार रामदेव राजीव दीक्षित से हुई बातचीत को लेकर बयान बदलते हैं, कभी कहते हैं कि 4 घंटे बात की थी, कभी कहते हैं कि 1 घंटे बात की थी। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, करीब 1 घंटे तक समझाया। यहाँ राजीव के भाई प्रदीप का बयान महत्वपूर्ण है। प्रदीप कहते हैं कि रामदेव के लोगों ने मुझसे फोन पर कहा था कि राजीव बातचीत की हालत में नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बीच में ही वे रामदेव से घंटों बात कर लें। प्रदीप ये भी कहते हैं कि उनके भाई को कोई बीमारी नहीं थी, ना उन्होंने कभी डायबिटीज,
ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की दवाई ली। सवाल यह है कि फिर बिना जाने ही रामदेव ने सार्वजनिक मंचों से ऐसे झूठ क्यों बोले कि राजीव को डायबिटीज की जेनेटिक बीमारी थी। एक सवाल तो राजीव के इलाज के खर्च को लेकर भी है। बाबा रामदेव आस्था टीवी पर कहते हैं कि उसके इलाज के लिए मैंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसके सारे इलाज के डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए मैंने कम से कम 25 लाख उसके उपचार पर खर्च करवाए। लेकिन राजीव दीक्षित ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल ने इन डॉक्यूमेंट्स को जारी करते हुए दावा किया कि बाबा रामदेव यहाँ भी झूठ बोले, क्योंकि राजीव के इलाज के लिए अस्पताल ने 30,000 रुपये जमा करवाए थे, जिसमें से उल्टा 2831 रुपये वापस हुए, यानी इलाज पर मात्र 27,169 रुपये खर्च हुए। अगर एक कॉमन लॉजिक भी लगाएं तो साल 2010 के वक्त पर जब इलाज में आज की जैसे बिल नहीं बनता था, वहाँ सिर्फ एक दिन में 25 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए होंगे। ऐसा कौन सा इलाज दिया गया होगा बिना ऑपरेशन, बिना बड़ी चिकित्सा के एक दिन में 25 लाख रुपए खर्च हो जाने की बात लॉजिकल भी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि राजीव की रहस्यमयी मौत के पीछे कोई साजिश हो ही सकती है, या हो सकता है उनकी मौत प्राकृतिक ही हुई हो, या हो सकता है कि कोई साजिश ही हुई हो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आज कोई एक स्पष्ट मत देना मुश्किल है। अगर उस वक्त रामदेव राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम करवा लेते तो या तो असली गुनहगारों का सच पता चल जाता, कोई साजिश बाहर आ जाती, या कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन दोनों ही स्थिति में रामदेव इस सवाल से बच जाते कि राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई। जनवरी 2019 में मोदी के नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने राजीव दीक्षित की रहस्यमयी मौत की दोबारा जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की दुर्ग पुलिस को आदेश दिया था, यानी राजीव की मौत के 9 साल बाद। लेकिन अब 2023 में इस आदेश को 3.5 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी सार्वजनिक पटल पर इस जाँच को लेकर कोई सूचना नहीं है, कोई अपडेट नहीं है कि क्या हुआ। इसके कुछ अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री कार्यालय को वास्तविकता में ही प्रथम दृष्टया ऐसा लगता होगा कि राजीव की मौत के पीछे कोई राज है। दोबारा जांच के आदेश से पहले सरकार ने कुछ तो तथ्य देखे ही होंगे, तब जाकर कन्विंस हुए होंगे कि हाँ दोबारा जांच की जरूरत है, दोबारा जांच होनी चाहिए एक बंद केस की। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि साल 2019 के चुनावों के वक्त मोदी सरकार रामदेव पर दबाव बनाना चाहती हो या कोई बार्गेनिंग करना चाहती हो। वैसे में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि साल 2019 में दोबारा जांच का आदेश दिया गया तो अब उस जांच का क्या हुआ, उसकी कोई सूचना सार्वजनिक पटल पर क्यों नहीं है। दूसरा सवाल कि क्या इस मामले में अंदर ही अंदर सेटलमेंट या बार्गेनिंग हो गई जिस कारण इस जांच में कोई आगे कोई उत्साह दिखाया नहीं गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में जांच के लायक कुछ मिला भी ना हो। जो भी हो, ये कहानी फिलहाल यहीं समाप्त होती है। इस सवाल का आंसर दिए बगैर कि राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई, अगर ये साजिश थी तो किसने की, आपको क्या लगता है ये बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगर किसी मुद्दे पर वीडियो देखनी है तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बार बार आने वाले कमेंट्स के बाद ही बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर सकते हैं अगर इस वीडियो को, तो ये मेरे लिए एक निजी इनाम की तरह होगा आपकी तरफ से। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।